मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव और आपको बताते चले कि यार UNGA के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबोधित करेंगे और वहां पर पाकिस्तान भी आमने सामने रहेगा, क्योंकि ये कोई पहला मौका तो नहीं है जहां पर पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री आमने सामने रहे हों। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, वो आमने सामने रहे थे और हर वक्त उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। लेकिन आज की अगर हम बात करें कि UNGA के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज संबोधन करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कश्मीर मुद्दे को नहीं उठाएंगे और ना ही आतंक पर कोई बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, तो वो साफ तौर पर आज कश्मीर के मुद्दे पर ही बात करने वाले हैं, आतंक पर ही बात करने वाले हैं। अब देखना यह है कि जब आमना सामना प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान का, तो क्या कुछ पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त करते हैं। क्योंकि अगर इमरान खान आतंकवाद को लेकर बात करते हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या जवाब रहेगा? क्या उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। क्योंकि आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन अपना देंगे, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को ही नहीं पूरे राष्ट्र को अपना संबोधन देंगे, जिसमें वो साफ तौर पर अपने मुद्दे जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं कि वो आतंकवाद पर कोई बात नहीं करेंगे और कश्मीर मुद्दे को लेकर भी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कुरैशी को लेकर, तो जिस तरह से वो बयान देते हैं, इमरान खान बयान देते हैं, तो आज देखना ये है कि आखिर इमरान खान जो कहते हैं उसका पलटवार उसी वक्त आता है या फिर नहीं। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।